रूम सर्विस? नहीं अभी नहीं, बाद में आना। ओके मैम। चलिए अगर शुरू करिए जल्दी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आपको? कौन है तू? आपको चल। सुन, तू कौन है? I don't care and I don't give a damn. निकल जा यहाँ से, अगर अब नहीं निकला तो पैरों पे नहीं स्ट्रेचर पे जाएगा। और इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा कि तेरी सात पुश्तें बंदर की तरह लाल मुंह लेके पैदा होंगी। बात समझ में आई ना? Get the hell out of here! और तुम, तुम्हारी अकल क्या खास चरने गई है? Have you lost your bloody mind? क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? पहले राजवीर, उसके बाद ये लड़का। ऐसी कौन सी आग लगी थी कि इससे शादी करनी थी तुमको? मॉम डैड यहां नहीं है लेकिन मैं यहां पे हूं, तो मुझसे बात कर सकती थी? कर सकती थी कि नहीं? क्या मजबूरी थी? आई वॉन्ट टू नो, क्या मजबूरी थी? और आप अपने आप को इस परिवार की बड़ी कहती हैं, हमारे घर में सबसे बड़ी है ना आप, फिर भी आपके होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? आपने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे मां बाप को अंधेरे में रखा और मेरी बहन की शादी कराने चली थी आप? किस हक से? किस हक से? हाँ दीदी, कितना झूठ बोला आपने हमसे। आपने कहा कि मैं, मेरे ना दोस्त के पोते की शादी है, मार्केट जा रही है शॉपिंग करने। क्या मिला आपको? क्यों कर रही है ये सब? क्यों? मैं कि कितना? आप लोग सब मेरे सर पे क्यों सवार हो रहे हो? यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ना, वो कृतिका की मर्जी से हुआ है। बकवास बंद कीजिए। ऐसी कौन सी मर्जी थी इसकी जिसकी सहमति आपने इसको दे दी? मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? मॉम डैड से बात करना जरूरी नहीं समझा? कौन सी ऐसी आग लगी थी जो आप इसकी शादी करने निकल पड़ी? बताएंगे आप मुझे? के भाई का तो पता नहीं, पर सैम, पर मेरी अपनी बहन इस सगाई में शरीक हो रही है। क्या चल रहा है सैम? कल तक तो तुम कृतिका को पसंद नहीं करती थी और आज तुम उसकी सगाई में शरीक हो रही हो। सोच लो, वरना यश और तुम्हारी तस्वीरें तो छपेंगी ही छपेंगी। उसके साथ ऐसी कहानी बनाऊंगी कि तुम्हारा भाई सिद्धार्थ खुराना भी लपेटे में आ जाएगा। रोशनी, शाम को मैंने इनवाइट किया था। मुझे लगा कि अगर वो मेरी एंगेजमेंट देख लेगी तो हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो नफरत है, शायद थोड़ी कम हो जाए। और सर, मैं अकेले चलते चलते बहुत थक गई हूँ और इसीलिए मुझे लगा कि कृतिका, हम इतने पराए हो गए हैं, तुम हमें बता भी नहीं सकती तुम क्या कर रहे हो। रोशनी, ये बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि तुम दोनों की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है तो मुझे लगा कि क्या लगा? कि तुम्हारा भाई परेशान होगा, मुझे तकलीफ होगी। कृतिका, अगर तुम खुद को प्रोटेक्ट करने का हक मुझसे छीनना चाहती हो तो जो राखी तुमने मुझे बांधी उसे उखाड़ के फेंक दो और ये भाई बहन का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। फिनिश इट। क्या चल रहा है ऐसे? क्या मजबूरी थी कि तुमने उस गधे से शादी करने के लिए हाँ कर दी? What's going on? Enough! आपसे बात की मैंने? नहीं की ना? Stay out!
मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से, मेरी बहन की जिंदगी से बाहर रहिए आप। वही आपके लिए अच्छा है और मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है। अगर मेरी बहन अकेली है ना, उसे जीवन साथी की जरूरत है, तो मैं हूं, मैं जिंदा हूं अभी। उसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा, दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा, मेरा परिवार ढूंढेगा, आप नहीं। और बुआ दादी, ये लड़का यहां क्या कर रहा था उसकी पूरी जानकारी तो मैं निकाल ही लूंगा। इतना तो आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। और आपने ये सब कुछ क्यों किया उसकी भी। सर, आई एम सॉरी, हाँ इस जगह को देखकर तो लग रहा है कि जो कुछ मुझे रोशनी के लिए चाहिए वो होने ही नहीं वाला। अरे आप चलिए तो सही, सब ठीक है, आप आइए ना प्लीज, डैडी के आशीर्वाद से चलिए। वार्निंग यू के सर। ओह गॉड, कैसी सी जगह है। डैडी साहब कब मिलेंगे? साहब कैबिन में बैठे। एक्सक्यूज मी सेठी साहब, वो मैंने दूध की बॉटल की पैकेजिंग के बारे में बात करनी है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। हाँ जी बैठिए ना केसर भाई, ये देख, ये लोगो बनाया है और इस बोतल पर पैकिंग होगी। हाँ, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया आपने। अगर आप ओरिजिनल डिजाइन देखेंगे तो उसमें ब्लू का शेड थोड़ा सा अलग है, अगर आप वो मैच कर दे इट विल बी ब्रिलियंट, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम, मैं करवा दूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका काम, और हाँ वक्त पे आ जाएगा ना, मुझे उसकी सबसे ज्यादा चिंता है। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डिलीवरी एकदम मस्त टाइम पर हो जाएगी। चलो ऐसी बातें, पैसे टाइम से काम हो जाना चाहिए, डीडी के आशीर्वाद से। थैंक यू, टाइम से कफूर कहाँ? अरे मैंने उसको अभी देखा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? यहाँ क्या कर रहा है वो? केसर जरा चलो, देखना पड़ेगा। शेट्टी साहब। गफूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत? सब खैर। और बताइए गफूर साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? शेट्टी साहब, आपसे एक बड़ी मदद चाहिए अपन को। गफूर भाई, अपन तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है, बोलो तो। तो बात यह है शेट्टी साहब, कि आप क्या हुआ मैडम? I'm sorry, हमसे थोड़ी गलती हो गई, आपको डिस्टर्ब किया हमने, really sorry। आप अपना काम कीजिए, बात करिए। चलिए हाय रे औरत तेरी तेवर, पर इस दफा तेरे हिजर की रात बड़ी लंबी होगी दीदी। मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा,
अब तो सिर्फ वार होगा, एक के बाद एक वार। तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ। और मैं तुझे, तोड़ के रख दूंगा दीदी पटेल, तोड़ के रख दूंगा। मैं और शबनम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां ना तू चैन से जी पाएगी और ना चैन से मर पाएगी। और वो तेरा जमाई कमीना सिट भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आपकी बना थप्पड़ मारी थी ना मुझे, सबके सामने थप्पड़ मारी थी ना, तो उस थप्पड़ की गूंज तुझे मेरे हर एक बार सुनाई देगा दीदी। ये आदमी सब कुछ जानना है मुझे इसके बारे में, ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों कर रहा है जो कर रहा है। आई नीड टू नो एवरीथिंग। सर आप निश्चिंत रहिए। रोशनी कुछ गड़बड़ है यार, कृतिका ये जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, वो प्रेशर में है, डरी हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा था, शी इज नॉट कंफर्टेबल। कृतिका को कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ, यू आर देयर राइट। कुछ भी हो मुझे सैम को जल्दी से जल्दी बताना होगा ताकि वो बंटी को बता दे। स्कूल की लाइट जलाने का शुभ मुहूर्त 5:40 का है, उससे पहले हम विघ्नहर्ता की आरती करते हैं ताकि स्कूल पर हमेशा इनकी कृपा रहे। और ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लो आ गई गड़बड़ करने वाली। सिद्धार्थ प्लीज अपनी वो बीडी को कहना कि बिहेव हर एज एंड नॉट हर शू साइज, कोई बेवकूफी ना कर दें फिर से। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी शायद। नमस्ते जी। ये जहां क्या कर रही है? मॉम प्लीज नॉट टुडे, आज हम किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे प्लीज। बद्दुआ तो बहुत पहले ही निकल गई थी, अब तो असर होना बाकी है। मोना दीदी समायरा कहाँ? भाभी वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है, यहाँ नहीं आ पाएगी। आरती का समय हो गया है, आइए अब आरती करते हैं। जी चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, रुको रुको।
जल्दी चल। ओह शिट। हेलो सर, मैं उस तक पहुंच ही गया था कि लास्ट मोमेंट में वो गायब हो गया। मुझे पक्का यकीन है कि उसे किसी ने खबर कर दी है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मॉम, मैं सिद्धार्थ को लेकर। हाँ। उस आदमी के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे करना है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। सिद्धार्थ, क्या हुआ? तुम ऐसे बीच में आरती छोड़ के चले आए? अरे यार, वो बंटी गायब हो गया है। कृतिका का दिमाग खराब हो गया है। कैसे कर सकती है ऐसी नादानी? वो एक से एक बंडल लड़के लेके आती है, पहले राजवीर, उसके बाद ये गधा बंटी। इतना शेडी पास्ट है इसका, समझ नहीं आती उसको बात। बाहर किसी की चॉइस तुम्हारी जैसी तो हो नहीं सकती ना। True that। रोशनी, आ जाओ ना तुम दोनों, लेट हो रहा है। कम यहाँ। आ रही हूँ मॉम। हाँ जाओ, मैं वॉशरूम से आता हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, हम लोग लाइट ऑन कर लेते हैं। तुम्हारी मम्मी को बुलाया ना मैंने अभी, वो आ जाए फिर जाकर लाइट ऑन कर। करो ना, प्लीज करो ना। बेटा थोड़ी देर और सी, मम्मा इज कमिंग, दे दे। नहीं प्लीज करो। आयशा बेटा थोड़ी देर रुक जाओ ना, गुड गर्ल। बड़ी माँ बहुत देर हो गई, प्लीज चलो ना लाइट जलाते हैं। अच्छा चलो आओ। या खुदा, आयशा वहां नहीं जा सकती। काम कोई काम बिगाड़ नहीं लेती, दिन सफल नहीं होता क्या तेरा? मॉम, गलती से हो गया। ये तो खराब करके रखा हुआ सड़क के पीछे। She frustrates me. आज के दिन नहीं, प्लीज आज हम हैप्पी रहते हैं। आज बहुत अच्छा दिन। कोशिश करती हूँ। हाँ बेबी, चलो हम लोग लाइट ऑन करते हैं। मॉम चलिए, आपके हाथ से करेंगे। ये क्या बात हुई? इधर आओ, चलो। सारी मेहनत तुमने की है, यू सेट इट अप, ऑब्वियसली लाइट तुम ही जलाओगी ना। वो अरे सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ मॉम आता ही होगा, वो एक्चुअली आई थिंक वॉशरूम। का टैलेंट है इस लड़के के अंदर, जब जरूरत होती है उस वक्त होता ही नहीं। अब पूजा कर रहे हैं तो मुहूर्त पे तो होना चाहिए ना उसे यहाँ पर। एनीवे फॉरगेट इट, यू डिजर्व टू डू इट। चलो तुम ही चलो, आओ चलो। ओके ओ गॉड, स्पार्क हुआ है लेकिन बटन ट्रिप नहीं हुआ है। ये लाइट भी है और मेरा तोहफा तैयार है बहना, छटका मुबारक हो तुम्हें। ये वायर्स? ये वायर्स तो लोगो बोर्ड की तरफ जाती हैं। ओह गॉड, रोशनी!